हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस क्लास में आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इल्यूमिनेशन, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिदीप्त कहते हैं या प्रदीपन भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं लाइट के बारे में। इनमें जो पहला चीज टॉपिक स्टार्ट होता है आप लोगों का प्रकाश। प्रकाश से हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट। तो लाइट जानने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीजें बात कर लेते हैं कि सन 19वीं सदी में जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, न बिजली का आविष्कार था, तो उस समय जब शाम हो जाता था, शाम होने के बाद प्रकाश के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो उस समय पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत एनर्जी का तो सूर्य है। और हम बात करते हैं कि उस समय जब शाम को ढल जाता था, तो ढलने के बाद दीपक का यूज करते थे। जो दीपक के द्वारा प्रकाश मिलता था, उस प्रकाश को यूटिलाइज करके लोग रात में यूज करते थे प्रकाश। फिर धीरे धीरे समय बीता, उस समय के अनुसार फिर गैस गैस का यूज करके फिर प्रकाश का यूटिलाइजेशन करना चालू किए। फिर इसके बाद उसी 19वीं सदी के अंतर्गत जब बल्ब का आविष्कार हुआ, बल्ब के आविष्कार के बाद लोगों को प्रकाश मिलने की जो व्यवस्था थी वो बहुत आसान हो गया। तो उसी के समझते हुए हम सर्वप्रथम आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज प्रकाश के बारे में कि लाइट है क्या चीज। तो सर्वप्रथम लाइट के बारे में समझे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और वस्तु हमको दिखाई कैसे देता है? जब कोई मान लो ये वस्तु है और यहाँ से लाइट आती है, लाइट से आ करके जब इस वस्तु पे प्रकाश टकराती, प्रकाश टकराने के बाद यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये मान लो कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति की आंख पर जब प्रकाश जाता है तो वह वस्तु उसे दिखाई देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति वस्तु को तभी देख पाएगा जब उस वस्तु पे जब प्रकाश जाके टकराती है, टकराने के बाद वस्तु की प्रकाश टकराते हुए वह प्रकाश जब मानव के आंख पर आकर के आती है तो हमें वह वस्तु दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। अगला जो पॉइंट है, हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति जिसे बोलते हैं। अब नेचर ऑफ लाइट में हम तीन चार पॉइंट की बात करेंगे। क्योंकि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, तो सूर्य की जब प्रकाश किरणें आती हैं तो वो बिना किसी माध्यम से होते हुए या फिर मीडियम के असहारे होते हुए जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है, चूंकि विदाउट माध्यम में चूंकि निर्वात भी होता है, उसके बाद फिर मीडियम भी मिलते हैं, तो दोनों के अनुसार होते हुए जब गुजरते हुए प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आकर कर सूर्य की किरणें इंसिडेंट होती है, टकराती हैं। तो सूर्य की किरणें जो होती है 7 किरणों के समूह से मिला के बना होता है। 7 किरण समूहों की बात करते हैं तो विबजौर, VIBGYOR, ये जो 7 किरणें हैं इनको शॉर्ट फॉर्म तैयार करने का ट्रिक है विबजौर, VIBGYOR। तो ये बैगनी हो गया, ये आसमानी हो गया, ये ब्लू नीला हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, पीला जिसे बोलते हैं, ये ऑरेंज हो गया और ये रेड हो गया। ये जो 7 किरणों का समूह है, ये 7 किरणों का समूह मिलकर एक श्वेत किरण का निर्माण करती हैं। अब इन श्वेत किरण जो होती है, जो मानव के द्वारा देखने के लिए एक दृश्य प्रकाश की तरह होता है, तो जो दृश्य प्रकाश होता है जो मानव की आंख से दिखाई देता है, तो ये जो प्रकाश किरण है वो दृश्य प्रकाश किरण कहलाती हैं। दृश्य प्रकाश ये किरण कहलाएंगी। चूंकि दृश्य प्रकाश किरण को जो तरंग दैर्ध्य होता है, अगर जनरली बात किया जाए तो 3900 एंगस्ट्राम से लेकर के 7800 एंगस्ट्राम के बीच में अगर तरंग दैर्ध्य मिलता है, या किसी भी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से लेकर के
7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में तरंग दैर्ध्य होता है तो वह प्रकाश हमारी आंखों से दिखाई देता है। ये तरंग दैर्ध्य क्या कहलाती है? दृश्य प्रकाश किरण कहलाएंगी, क्योंकि सूर्य की किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होगा, अगर बैगनी की बात करते हैं तो जो बैगनी का तरंग दैर्ध्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, और इसी तरीके से अगर रेड की बात करते हैं तो 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में रेड किरण का तरंग दैर्ध्य होता है या वेव लेंथ होता है। अब 7500 एंगस्ट्रॉम रेड की होती है। अब हम बात करते हैं जैसे जैसे बैगनी से रेड की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे बैगनी से रेड की तरफ जाओगे तो यहाँ पे वेव लेंथ जो लैंडा होगा, क्योंकि वेव लेंथ दूरी का मात्रक है, इसे मीटर में मापा जाता है और हम लोग इसे लैंडा से प्रदर्शित करते हैं, तो बैगनी से रेड की तरफ जैसे जाएंगे वहाँ पे प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बढ़ती जाती है। अगर लैंडा का मान यहाँ पे इंक्रीज होता है तो वहीं फ्रिक्वेंसी का मान क्या होता है? डिक्रीज होना चालू हो जाता है, क्योंकि एक रिलेशन होता है लैंडा बराबर क्या होता है? वी बाई एफ, चूँकि यहाँ फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे लैंडा का मान बढ़ेगा वैसे फ्रिक्वेंसी का मान घटेगा। अगर फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ रहा है अर्थात लैंडा का मान घट रहा है, चूँकि लैंडा वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f है यहाँ पे, तो यही संबंध दर्शाता है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो लैंडा का मान घटेगा, और लैंडा का मान बढ़ता है या वेवलेंथ का मान बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी की मान वहाँ पे घटना चालू हो जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि अगर हम रेड की बात करते हैं, जो रेड करल की प्रकाश होती है उसका वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होता है और उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बैगनी किरण, जो बैगनी किरण होती है इनका तरंग दैर्ध्य कम होता है, इनका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम यहाँ बताया गया है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम इनका तरंग दैर्ध्य होता है, तो ये बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम माना जाता है और इनकी आवृत्ति सबसे उच्च होती है। अगर हम बात करते हैं कि ये दृश्य प्रकाश किरणें हैं, अगर हम बैगनी से कम तरंग दैर्ध्य की तरफ चलते हैं, अगर बैगनी से कम तरंग दैर्ध्य की तरफ चलते हैं तो ये जो तरंग दैर्ध्य, अगर इससे कम आओगे अर्थात 4000 एंगस्ट्रॉम से और कम की तरफ आओगे, तो वहाँ पे जो किरणें की तरंग दैर्ध्य होगी वो अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, इसे परावैगनी किरण कहते हैं। और ये अल्ट्रा वायलेट रे जो हमारी अदृश्य होती हैं, आंखों के द्वारा नहीं दिखाई देती हैं, तो बैगनी से कम तरंग दैर्ध्य की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य आएंगी, इस वेवलेंथ के जो प्रकाश किरण होंगे वो हमको अदृश्य होंगे और उन्हीं तरंग दैर्ध्य को हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट रे। और एक पॉइंट, नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है, हम बात करते हैं कि जो रेड है, चूँकि लाल कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लाल कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए हम लोग इस चीज़ का सिग्नल गुनल के रूप में, इंडिकेशन के रूप में रेड कलर का ही यूज करते हैं ताकि दूरी तक लोग को दिखाई दे। और वहीं हम बात करते हैं कि अगर रेड कलर से अधिक तरंग दैर्ध्य की किरणें मिलती हैं जिनमें 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक की तरफ जाओगे, अगर 7500 एंगस्ट्रॉम इधर जाओगे तो एंगस्ट्रॉम हमारा वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो 7500 एंगस्ट्रॉम से एवप की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो किरणें कहलाएंगी वो अवरक्त किरणें कहलाती हैं, इन्फ्रारेड रे, आईएफ किरणें कहलाती हैं। इन्फ्रारेड रे में क्या होता है कि यह भी एक प्रकार की आँख से न दिखाई देने वाली किरणें होती हैं, लेकिन इनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। जैसे लाल कलर के तरंग दैर्ध्य जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ पे इन्फ्रारेड रे कहलाएगा, और इधर बैगनी से कम तरंग दैर्ध्य की तरफ चलेंगे प्रकाश किरणों का तो वो हमारी परावैगनी किरण कहलाती है। और ये किरणें क्या होती हैं, अब हम जनरली बात कर लेते हैं कि किसी भी तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश होती है वो अलग अलग कलर में क्यों दिखाई देता है? तो कोई भी प्रकाश अलग अलग कलर में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उनका तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। अगर लैंडा का मान अलग अलग रहेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी कलर प्रकाश या कोई भी किरण अलग अलग कलर में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उनका तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। अगर उनका तरंग दैर्ध्य बदलेगा उसके अनुसार कोई भी प्रकाश की किरण बदलना चालू हो जाए, प्रकाश की किरणों का कलर चेंज होना चालू हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कोई भी हीटिंग एलिमेंट है, कोई भी हीटिंग एलिमेंट है
हीटिंग एलिमेंट जिसे नाइक्रोम की बात कर लेते हैं, टंगस्टन की बात कर लेते हैं, तो जो हीटिंग एलिमेंट धातु होता है अगर उनका तापमान जब 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव ले जाते हैं, 900 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे इंक्रीज करते हो, तापमान तो जैसे बढ़ाएंगे 600 700 800 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो ओनली वहां पे क्या होता है, हीट ही डेवलप होता है, मतलब उष्मा ही निकलेगा, हीट ही डेवलप होगा। और जैसे हम 900 डिग्री सेंटीग्रेड से एवप कर देंगे, जब 900 डिग्री सेंटीग्रेड से एवप करेंगे तो वहां पे हीट के साथ साथ लाइट का भी निर्माण हो जाता है वहां पे, हीट के साथ साथ अर्थात वह हीटिंग तत्व प्रकाश भी देगा और उष्मा भी निकालेगा। ये चीजें होती है कि हीटिंग एलिमेंट में, कोई भी हीटिंग एलिमेंट है अगर वह 900 डिग्री सेंटीग्रेड से एवप जाता है तो वहां से उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी देगा, 900 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो वे वनली प्रकाश ही इमिट करेगा। अब हम अगला बात करते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश का जो चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है जो प्रकाश की चाल है, लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट कहते बात करते हैं, अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हो तो वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड से क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आप लोग, जैसा मैं बात कर रहा था कि कोई भी हीटिंग एलिमेंट होता है जब वह अधिक गर्म किया जाता है, अर्थात उसका तापमान बढ़ाते जाते हैं, एक समय ऐसा कंडीशन आ जाता है कि वह हीट के साथ साथ लाइट भी देना चालू हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, जब गर्म पिंड को उष्मीय ऊर्जा का तरंग के रूप में विकिरण होने लगता है, अर्थात जब 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान देंगे तो वह जो उष्मा है, वह जो हीट है, वह तरंगों के रूप में रेडिएट होने चालू हो जाते हैं, वह तरंगों के रूप में रेडिएट होना चालू हो जाता है। अर्थात इसमें एक पॉइंट ये भी है कि कम तापमान की तरंगों का तरंग दैर्ध्य अधिक तापमान की तरंगों के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, कम तापमान की तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक तापमान की तरंगों की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। अधिक होने का मतलब यह हुआ कि वेव लेंथ उसकी बहुत ज्यादा होगा, जो पिंड या जो तरंग अर्थात जब वस्तु को गर्म करते हैं, अधिक तापमान देते हैं, तो उसमें जो हीट है जब तरंग के रूप में विकिरित रेडिएट होना चालू हो जाता है, तो में उसमें विभिन्न तरंग दैर्ध्य की तरंगे मिश्रित होती हैं, तो उसमें जब कम तापमान की तरंग दैर्ध्य होगी वो अधिक तापमान की तरंग दैर्ध्य से लंबी होती है, जो कम तापमान की तरंग दैर्ध्य होगी वो अधिक तापमान के तरंगों की तरंग दैर्ध्य से लंबी होती है। अब हम बात करते हैं तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में संबंध। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में संबंध की बात करेंगे तो जो वेवलेंथ लैंडा होता है वो लैंडा बराबर क्या होता है, वी बाई एफ, लैंडा बराबर वी बाई एफ, जहां पे वी क्या है, प्रकाश की चाल है, वी क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, वी क्या है, प्रकाश की चाल है, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्पीड होता है। लैंडा क्या है, ये वेवलेंथ होता है, और एफ क्या है, आवृत्ति है, एफ जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है, लैंडा क्या है, वेवलेंथ है। तो हम लोग जो वेवलेंथ होता क्या है, मान लो कोई तरंग है, कोई ये तरंग है, ग्राफ है, हम कह सकते हैं कि दो श्रृंग, ये क्या कहलाता है, श्रृंग कहलाता है, दो दो श्रृंगों या दो गर्तों की बीच की दूरी, यही गर्त हो गया,
ये हमारे श्रृंग पॉइंट हो गए, ये हमारे गर्त हो गए। दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। वेव लेंथ को हम लोग लैंडा से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, और बी जो है प्रकाश की चाल है, जो मीटर पर सेकंड में होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो प्रकाश की चाल होती है। और इसी के बीच हम लोग अगला जो पॉइंट बात करने वाले हैं, आंख की संवेदनशीलता वो तरंग दैर्ध्य के मध्य खींचा गया वक्र। अब हम इस ग्राफ में देखेंगे कि जो ह्यूमन आई होती है उसके लिए किस तरंग दैर्ध्य के बीच में जो देखने के लिए सबसे अच्छा कलर या दृष्टिगोचर कलर माना जाता है, तो कितने तरंग दैर्ध्य के बीच रहेगा। तो यहाँ पे ये हम लोग बात करते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई। तो वाई एक्सिस में रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई है। यहाँ पे क्या है कि जो रिलेटिव सेंसिटिव है हमारा 100 ल्यूमेन पर वाट, 200, 300, 400 ल्यूमेन पर वाट, इसी तरीके से हमारे यहाँ 500 ल्यूमेन पर वाट हो जाएगा, और यहाँ पे 600 ल्यूमेन पर वाट, इसी तरीके से यहाँ पे 700 ल्यूमेन पर वाट होगा। और हम बात करते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो हमारी कलर होती थी, ये रेड कलर का तरंग दैर्ध्य बताता है, यहाँ पे ये बैगनी कलर का तरंग दैर्ध्य बता रहा है। अब हम बात करते हैं कि जब इससे कम तरंग दैर्ध्य की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट रीजन क्षेत्र आ जाता है। ये यूवी रीजन कह सकते हैं कि ये हमारा क्या, अल्ट्रा वायलेट रीजन क्षेत्र इधर कहलाता है। और इधर से जब 7500 से एवब जाएंगे, इधर वाला जो रीजन होगा इनफ्रारेड रे अवरक्त किरण रीजन कहलाता है, इंफ्रारेड रीजन ये कहलाएगा। ये रीजन इंफ्रारेड रीजन हो जाता है, और ये वाले जो रीजन है हमारे दृश्य प्रकाश वाले रीजन हो जाते हैं। अब इसी की बात करते हैं कि जो ह्यूमन आई होता है वो लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम जो ग्रीन कलर का है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ होता है वो 5500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी की बात करें तो 685 ल्यूमेन पर वाट सबसे अच्छा माना जाता है। 685 ल्यूमेन पर वाट में जो हरे कलर का वेवलेंथ है, जो हरे कलर का वेवलेंथ का जो ग्राफ जाएगा वो पीक पॉइंट हमारे 550 एंगस्ट्रॉम के बीच में सबसे पीक पॉइंट जाता है ग्राफ का। इसके बाद ग्राफ धीरे धीरे घटते घटते आ जाता है अपने पॉइंट। तो हम लोग ये बात करते हैं कि जो ग्रीन कलर होता है, ये जो 5500 एंगस्ट्रॉम है वो ह्यूमन आई को देखने के लिए सबसे दृष्टिगोचर कलर माना जाता है। तो ग्रीन कलर क्या होता है, सबसे अच्छा कलर माना जाता है कि ह्यूमन आई की संवेदनशीलता के लिए। और इसमें जो 5000 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो तरंग दैर्ध्य होता है, इस तरंग दैर्ध्य के लिए ह्यूमन आई के लिए बहुत सुविधाजनक माना जाता है। तो इसके जो पीक पॉइंट है हमारा मध्य में ग्रीन आ जाता है, जो 5500 एंगस्ट्रॉम सबसे पीक पॉइंट यहाँ पे होता है, जिसमें 685 ल्यूमेन पर वाट है इसमें। तो इस आधार पे देखा जाता है कि 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो ह्यूमन आई की वेवलेंथ की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी मानी जाती है, इसमें ग्रीन कलर सबसे दृष्टिगोचर कलर माना जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, कुछ डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को